हमारे पास आया है विशाखापट्टनम से संदीप का सवाल और ये दरअसल जमीन के लिए लोन चाहते हैं। इन्होंने अपने बारे में ये कहा है कि 26 साल इनकी उम्र है और इनकी सालाना आय 4 लाख रुपए है। यहाँ पर ये हम आपको बताएं कि खेती के लिए जमीन के लिए 4 से 5 लाख रुपए तक का लोन इन्हें चाहिए। पिता के बारे में कहा है कि दरअसल पिता इनके किसान हैं, वो खुद एक डिफेंस क्षेत्र में हैं, तो क्या उन्हें इसके लिए लोन मिल सकता है। इसके बारे में, इसकी बारीकियों के बारे में हम जरूर समझेंगे बलवंत जी से। बलवंत जी, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, जमीन के लिए इन्हें लोन चाहिए, क्या ये अपने नाम पर पिता के लिए ले सकते हैं लोन? इस पर यह समझना बेहद जरूरी हो जाता है और क्या रिक्वायरमेंट्स होंगी। देखिए स्वाति, ऐसा है कि संदीप जी को जो एग्रीकल्चर लैंड के लिए लोन चाहिए तो नाबार्ड की एक स्कीम है एग्रीकल्चर लैंड के लिए लोन के लिए, पर वो जो फार्मर है, छोटे फार्मर है, उनके लिए ही है। और जो या तो खुद लैंड ओनर है, छोटी जमीन है उनके पास में, या जो खेती करते हैं और उनकी खुद की जमीन नहीं है, वो लोग लोन के लिए एप्लीकेशन दे सकते हैं। उसमें भी ऐसा है कि जो जमीन उनकी जो लैंड की सेलिंग है कि जो 2.5 एकड़ की तक की जो कल्टीवेटेड जमीन होनी चाहिए या जो 5 एकड़ है वो ड्राई होनी चाहिए, उससे ज्यादा अगर जमीन रहेगी तो आपको लोन नहीं मिलता है। जहां तक सवाल टेन्योर वगैरह का, तो ये लोन का जो टेन्योर है, जो एग्रीकल्चर लोन का टेन्योर है, वो 7 से 10 साल रहता है। और इसका जो रीपेमेंट है, बाकी जैसे लोन का मंथली रीपेमेंट होता है, ये हाफ ईयरली या ईयरली होता है। और इसका जो मॉरेटोरियम पीरियड है, जब मॉरेटोरियम पीरियड मतलब उस पीरियड के दौरान आपको लोन का भुगतान रीपेमेंट नहीं करना पड़ता, परंतु उसका इंटरेस्ट का आपको सर्विस करना पड़ सकता है। अगर आप सर्विस नहीं करना चाहते हैं या नहीं कर पा रहे हैं तो आपको रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी, तो जो लेंडर है वो आपको फिर जो मॉरेटोरियम के बाद में ही इंटरेस्ट और प्रीपेमेंट वगैरह शुरू कर देगा। ये जैसे डिफेंस में काम करते हैं तो इनको खुद को तो लोन नहीं मिलेगा क्योंकि ये फार्मर नहीं है, परंतु ये अपने फादर जो फार्मर है उनके साथ को बोरोर हो सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं और फिर लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और जहां तक प्रश्न प्रोसेस वगैरह का है, तो आपका जो बेसिक एड्रेस डॉक्यूमेंट है, आइडेंटिटी प्रूफ वगैरह जैसे आधार कार्ड है, आपका वोटर आईडी वगैरह है, वो सब आपको डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा। इसके अलावा जो जमीन आप दे रहे हैं, खरीद रहे हैं, उसको एज ए कोलेट्रल देना पड़ेगा। और अगर आपके पास एग्जिस्टिंग जमीन है तो वो भी आपको कोलेट्रल देनी पड़ेगी। इसके अलावा आपके जो इनकम प्रूफ है, अगर आप इनकम टैक्स का रिटर्न भरते हैं तो इनकम टैक्स का जो रिटर्न है वो देना पड़ेगा। अगर आप जैसे एग्रीकल्चर इनकम है, इनकम टैक्स का रिटर्न नहीं भरते होंगे, तो जो मंडी में आप उपज बेचते हैं तो मंडी की रिसिप्ट वगैरह वो भी आप बैंक को प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से अगर ये जो क्राइटेरिया अगर ये सेटिस्फाई कर सकते हैं तो ये अपने फादर के नाम से एग्रीकल्चर लैंड के लिए लोन ले सकते हैं और खुद एज ए को बोरोअर ज्वाइन कर सकते हैं फादर को। संदीप, खुद को बोरोअर ज्वाइन कर सकते हैं लेकिन आप अपने फादर के नाम पर ही लोन ले सकते हैं, और तरीका क्या है, प्रोसीजर क्या है, बहुत अच्छे तरीके से बलवंत जी ने आपको समझाया है।